दोस्तों आपके साथ शेयर करते चले। ईद उल अज़हा करीब आने पर पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स फरोख्त करने वाली बड़ी कंपनी हुवावे की जानिब से डिवाइसेज की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है। कंपनी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ईद उल अज़हा के पुरमसरत त्यौहार को देखते हुए हुवावे की चंद फोन की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। तीन फोन की कीमतों में 1,000 से 4,000 रुपए तक की कमी की गई। हुवावे वाईफाई प्राइम 2018 17,999 रुपए की बजाय 16,999 रुपए में दस्तयाब होगा। इसी तरह इसकी कीमत में 1,000 रुपए की कमी की गई। इस तरह मेट 10 लाइट की कीमत 1,500 रुपए कमी से 32,999 रुपए की बजाय 31,499 रुपए कर दी गई। P20 लाइट की कीमत में सबसे ज्यादा 3,000 रुपए कमी की गई और ये 39,999 की बजाय 36,999 रुपए में दस्तयाब होगा। हुवावे कंपनी का दावा है कि इसने स्मार्टफोन्स में AI टेक्नोलॉजी सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेज में ही नहीं बल्कि एंट्री लेवल डिवाइसेज में भी पेश की है ताकि लोग कम पैसों में बेहतरीन फीचर से मुस्तफीद हो सकें। इससे कबल रमजान मुबारक के दौरान नोकिया और सैमसंग की जानिब से पाकिस्तान में मुख्तलिफ फोन की कीमतों में कमी की गई थी, बल्कि सैमसंग की जानिब से 30 जुलाई को भी गैलेक्सी नोट 9 की कीमत में महदूद मुद्दत के लिए 10,000 रुपए कमी की गई थी और वो 99,999 रुपए की बजाय 79,999 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान किया गया था। इसी तरह गैलेक्सी S9 प्लस की कीमत भी 10,000 रुपए कमी से 1,21,999 रुपए की बजाय 1,11,999 रुपए कर दी गई। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल ट्रेंडिंग स्टोरीज को और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए।